हेलो, वेलकम टू आर्ट इटर्स। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत प्यारे टेक्सचर आर्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ, जो फर्स्ट होगा वो बीटा फिश बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने लिया सीमेंट और इसको अच्छे से वाटर के साथ मिक्स करिए, एक पेस्ट बनाइए। और फिर मैंने कार्डबोर्ड का यूज़ किया, जो कि किसी के भी घर में मिल जाएगा ईजिली, ठीक है। 35 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर का मैंने इसको लिया है। अच्छे से दो को आपस में स्टिक किया मास्किंग टेप से, इसको अच्छे से मतलब इवन कर दिया। अब ये जो पेस्ट बनाया था ना, इसको अच्छे से अप्लाई करना, लेकिन ग्लव ज़रूर लगाइएगा हाथ में। एक दिन के बाद ड्राई हो गया, अब अच्छे से इसको सैंडिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिया वॉल पुट्टी में, अच्छे से वाटर थोड़ा सा मिक्स करके थोड़ा ग्लू भी मिक्स कर लीजिएगा और इस कंसिस्टेंसी का पेस्ट बना लीजिए। अब इसमें एक कोन बनाएंगे, तो आप कोई भी इस तरह की प्लास्टिक ले सकते हो और इसके अंदर अच्छे से फिल कर दो। आप जो कोन बना के करोगे ना, तो बहुत बड़ी ना लीक करता है, तो आप इस तरह से कर लो, बहुत ईजी होगा। और इस तरह से पूरा नीचे करने के बाद एक रबर बैंड लगा दो, ठीक है, अच्छे से टाइट करके लगा दो ताकि ये निकले नहीं। पहले थोड़ा सा इसको राउंड राउंड करके टाइट कर लो। अब जितने भी आपको थिन चाहिए, जैसा भी चाहिए, उस अकॉर्डिंग कट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे बना रहे हैं बीटा फिश, तो उस तरीके का मैं कुछ दूंगी, लेकिन ना मुझे बेटा मतलब रियल वाला नहीं, मतलब रियलिस्टिक नहीं देना है इसको लुक, इसको थोड़ा सा मॉडर्न आर्ट काइंड ऑफ देना है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल कलर कॉम्बिनेशन भी उसी अकॉर्डिंग रखूंगी, और आप कलर कॉम्बिनेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो चलिए इसी तरह से आप ना देखो कितना स्मूथ ये कोन चलता है, तो आप इस तरह का वॉल पुट्टी से कोन बना सकते हो, बहुत अच्छे से स्मूथली ये वर्क करता है, ठीक है। तो बहुत प्यारा सा इसमें पैटर्न क्रिएट करेंगे। अगर आप फ्री हैंड नहीं कर पा रहे हो, तो आप पहले एक बार ही ड्रॉ कर लो, किसी भी मतलब रेफरेंस इमेज लेके आप देख लो, उसके बाद ड्रॉ कर लो। तो बहुत दिनों से मैं देख रही थी, मेरे प्लांटेड एक्वेरियम में ना बीटा फिश रहती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये फिश, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका एक ना बहुत प्यारा सा मॉडर्न आर्ट करते हैं, टेक्सचर आर्ट करते हैं। तो वहीं से मैं इंस्पायर होने के बाद ये वाला कर रही हूँ, ठीक है। तो अच्छे से धीरे धीरे करके डिटेलिंग ऐड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप एक रेफरेंस इमेज रखोगे ना, तो आपको इजी होगा, ठीक है। और मैं यही बोलूँगी कि आप ना इसमें ज़रूर से ग्लू मिक्स करिएगा थोड़ा। मैं मतलब वो वीडियो शायद मेरा अच्छे से मतलब एडिट नहीं हो पाया, क्लिप कहीं मिस हो गई है, तो इसलिए वीडियो में वो ग्लू नहीं दिख पाया। लेकिन आप फेविकोल थोड़ा सा ऐड कर लो, तो आपका क्या होता है ना कि बाद में निकलता नहीं है, चिप ऑफ नहीं होती है जो वॉल पुट्टी है, ठीक है। तो बात करते ही करते इस तरीके से इसमें मैं थोड़ा सा फेदर में इसके ना थोड़ा डिज़ाइन दे रही हूँ, तो थोड़ा अच्छा रियलिस्टिक भी लगे और थोड़ा सा मॉडर्न आर्ट भी लगे उस तरह का, मतलब बेटा का तो बेटा जैसा वो लगना चाहिए, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग रखेंगे। तो इसी तरह से ये हो गया। आप थोड़ा सा ना वेट ब्रश आप ले लो, पानी में थोड़ा सा मिक्स करके इसको इवन कर दो थोड़ा सा एजेस को। अब कम्प्लीटली इसको ब्लैक पेंट करेंगे, ये तो मेरा मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा ब्लू के दो तीन शेड्स लेके बैकग्राउंड को मैं थोड़ा ब्लू करूँगी, और थोड़ा सा पानी वाला इफेक्ट, मतलब पानी वाला इफेक्ट नहीं, थोड़ा सा मतलब हल्का पानी वाला इफेक्ट आप समझ लो, पूरा रियलिस्टिक वाला नहीं देना है यहाँ पे। तो उसी तरीके से दो तीन ब्लू के मैं शेड्स लेके थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके इसको पेंट कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे जितने भी पेंट्स मैंने यूज़ किए, एक्रिलिक पेंट यूज़ किया, आप सब कमेंट में पूछते हो, तो मैंने जो भी पेंट यूज़ किया है एक्रिलिक ही किया है सारे पेंट, और तो मैंने कोई भी ब्रांड के मतलब और भी कोई भी पेंट नहीं यूज़ किया यहाँ पे। और इसको ना थोड़ा सा आपको एक्रिलिक में इतने शेड्स नहीं मिलते हैं, तो आप एक दो कलर मिक्स एंड मैच करके बना लो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्राउन, थोड़ा रेड, थोड़ा डार्क पिंक, दो तीन शेड्स लेके ना इस तरीके का कुछ पेंट किया है। बीच में मैंने माइका पाउडर को, मेटालिक माइका पाउडर्स जो आते हैं जो रेजिन के साथ मिक्स करते हैं, उसको ही मैंने यूज़ किया है मीडियम के साथ, ठीक है। तो आप चाहो तो आप वो वाले जो फेविक्रिल के आते हैं ना मेटालिक पाउडर, उसका आप यूज़ कर लो मीडियम के साथ मिक्स करके। और इसी तरह से थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग पूरे में मैं गोल्डन की दे रही हूँ, ठीक है। तो ये बहुत प्यारा लुक आएगा, ये गोल्डन देने के बाद ना बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक आ रहा है। तो ये रहा इसका फाइनल लुक, लग रहा है ना कितना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग, मतलब वही वाला मॉडर्न लुक पूरा लग रहा है, मॉडर्न आर्ट की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप मुझे कमेंट में जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब इतने अच्छे अच्छे आप लोग कमेंट करते हो, इंस्टा पे भी मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, तो इसलिए जैसा भी कमेंट करना है, जो भी सजेशन देना है, आप मुझे एकदम बेझिझक क्या करो, मैं आप लोगों की सजेशन को बिल्कुल सुनती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे करेक्ट कर रहे हो कहीं कहीं पे, तो इसलिए ऐसे ही चले तो ज़्यादा बेहतर, इसलिए हर वीडियो पे भरपूर मात्रा में कमेंट किया। तो अब नेक्स्ट DIY की तरफ चलते हैं। पे 30 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर का दो कार्डबोर्ड लिया है, पहले ग्लू से अच्छे से इसको स्टिक करिए, फिर उसके बाद मास्किंग टेप से इसके जिसको अच्छे से इवन कर लीजिए, ठीक है। आप चाहो तो न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हो, मैं हमेशा बोलती हूँ न्यूज़पेपर पे थोड़ा ग्लू और पानी मिक्स करके आप लगा सकते हो। सीमेंट का यहाँ पे पेस्ट लिया, इसको भी अच्छे से पूरा सीमेंट से कवर करेंगे। और यहाँ पे बेसिकली हम लोग बना रहे हैं गोल्ड फिश, तो गोल्ड फिश भी बहुत प्यारी फिश होती है, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसी तरह से
सेम यहाँ पे मैंने वही कोन का यूज़ किया है इसमें टेक्सचर देने के लिए, इसको डिज़ाइन देने के लिए। तो धीरे धीरे करके आप निकालिए और बहुत इजी है ये भी, आप कोई रेफरेंस इमेज रखो गोल्ड फिश की और धीरे धीरे करके उसको मतलब डिटेलिंग ऐड करो। और रेफरेंस इमेज अगर आपको नहीं रखना है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो, देख देख के बना सकते हो, बहुत ईजी है, कोई उतना टफ नहीं है। आप धीरे धीरे करके बनाओगे बस, और बस ग्लू मतलब आप जो अपना ये बनाओगे ना कोन बनाओगे ना उसमें बहुत ज़्यादा पानी मत मिक्स करिएगा और बहुत कम भी पानी मत मिक्स करिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी मिक्स करिएगा तो क्या होगा कि वो ना फ्लो में बह जाएगा और ना वो धीरे धीरे करके ना पूरा जो आपका टेक्सचर है वो ख़राब होगा। और कम पानी अगर आप ऐड करोगे तो वो अच्छे से स्टिक ही नहीं होगा पूरा, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई रहेगा तो आपको काम करने में ईजी नहीं होगा। तो एक अच्छी वाली कंसिस्टेंसी का आपको पेस्ट बनाना है जिससे आपको आराम से काम करते बने। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ड्रॉ कर लिया था, एक मतलब हल्का सा रफ स्केच टाइप का बना लिया था पेन से ताकि थोड़ा सा मुझे ईजी हो जाए और मुझे पता रहे कि हाँ ठीक है कहाँ कहाँ पर मुझे टेक्सचर ऐड करना है। ठीक है, तो धीरे धीरे पैलेट लाइफ के हेल्प से मैं यहाँ पे मतलब टेक्सचर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास पैलेट नाइफ नहीं है, डिटेलिंग नाइफ नहीं है, तो आप कुछ का भी यूज़ कर लो, आप स्केल का यूज़ कर सकते हो, आप एक आइसक्रीम स्टिक का यूज़ कर सकते हो, मतलब आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस रहते हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इस तरह से बेटा मतलब सॉरी गोल्ड फिश कम्प्लीट हो गई है। अब इसमें और थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड कर देते हैं, मतलब मैं ऐसा इसमें दिखाना चाह रही हूँ ना, पूरा रियल भी नहीं रहेगा और पूरा फेक भी नहीं रहेगा। राइट, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड में कुछ प्लांट्स बना रही हूँ। ठीक है, तो बैकग्राउंड के जो प्लांट का कलर रहेगा वो तो ग्रीन ही रहेगा, मतलब जो मैंने गोल्ड फिश भी बनाया उसका भी उसी तरह का कलर रहेगा, लेकिन जो पूरा बैकग्राउंड है ना वो पूरा ब्लैक रहेगा इसमें। तो छोटी छोटी डिटेलिंग आप ऐड करो, आप इस तरह की डिटेलिंग अगर नहीं भी चाह रहे हो तो अपने अकॉर्डिंग आप फ्लावर वगैरह बना सकते हो। यहाँ पे पूरा कम्प्लीटली पहले ब्लैक किया, ऑरेंज के दो तीन आपको शेड लेना है, सारा एक्रेलिक पेंट ही यूज़ किया है यहाँ पे भी मैंने। तो ऑरेंज और वाइट कलर की ये कुछ रहती है गोल्ड फिश, और इसी तरह की एक आती है रेड कैप फिश, ठीक है बहुत अच्छी लगती है वो भी। तो इस तरह की जो फिश रहती है ना वो ना इन लोग प्लांटेड एक्वेरियम में नहीं रहते हैं। ठीक है, प्लांटेड में आप रखोगे तो ये नहीं रह पाएंगे, ये नॉर्मल एक्वेरियम में रहते हैं। तो बहुत प्यारी लगेगी, ब्यूटीफुल लगेगी, लेकिन आप इसको थोड़ा सा जब भी रखो तो आप थोड़ा सा स्पेशियस रखो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और मैंने देखा है ना बहुत जगह पे ना इनको छोटे छोटे पॉट में और बहुत सारे डाल के रख दिया जाता है, तो वैसे मतलब फ़िश को भी फ़िश के साथ भी वो चीज़ गलत है। तो आप इनके हिसाब से इनको जगह दो, क्योंकि हम लोग सोचते क्या है कि जब भी फ़िश का शुरू शुरू में शौक चढ़ता है ना तो हम लोग एक साथ में ना बहुत सारी फ़िश डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन लास्ट में आप देखोगे कि फ़िश मरते मरते उतनी ही बचती है जिस स्पेस के लिए फिट होती है, मतलब जितना आपने स्पेस दिया उसमें मान लो दो तीन ही फ़िश अटेंगी। आप उसमें एक साथ में बहुत बार मतलब बहुत सारी फ़िश डाल रहे हो और सोच रहे हो कि वो बच जाएगी, तो वो नहीं बचती है। मतलब जितनी जगह मतलब दो मछली के लिए होगी तो लास्ट में दो ही बचेगी। जैसे आपने 2x2 feet का एक्वेरियम रखा हुआ है और उसमें अगर आप मतलब 8-10 ही गोल्ड फिश, तो वो फिर मरते मरते 4-5 ही बचेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फ्लैश के मेटालिक पेंट से इनको पेंट किया है, थोड़ा सा वाइट सा हाईलाइट करी हूँ, ग्रीन और पर्पल का यूज़ किया मैंने प्लांट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए एक ट्विस्ट है, थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ मोल्डेड क्ले से यहाँ पे एक सिगरेट बनाऊंगी। ठीक है, तो इसके मुंह पे मतलब गोल्ड फिश के मुंह पे एक सिगरेट रहेगा, तो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं बनाना, मतलब नॉर्मल सा बस, और बस थोड़ा सा एक ना मॉडर्न आर्ट की तरह ये लगे, तो इसलिए मैं ये ऐड करी हूँ। तो इसको अच्छे से ये ड्राई हो गया, अब थोड़ा सा वाइट लाइट ग्रे और रेड का लेके मैंने थोड़ा सा इसको ना डिटेलिंग दे दिया कि ताकि ये थोड़ा बहुत तो सिगरेट की तरह लग जाए। अब चलिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया फ्लेक्स क्विक का, इससे अच्छे से इसको स्टिक कर देंगे और देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। तो ये रहा इसका फाइनल लुक, लग रहा है ना कितना प्यारा, मतलब कि एक तरह से तो ये रियल भी लग रहा है, एक तरह से बिल्कुल मॉडर्न लुक भी लग रहा है, मतलब मॉडर्न आर्ट की तरह भी लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिएगा मुझे, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब मैं आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ती हूँ, और वो मोटिवेट भी बहुत ज़्यादा होती हूँ कि ठीक है अब कुछ नया करना है, अब कुछ नया करना है, तो इसलिए कमेंट ज़रूर किया करिए। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी वो लाइक शेयर फॉलो कमेंट सब्सक्राइब उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूँ, वो आपको जैसा ठीक लगे करके जाएगा। बाय बाय।